अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ और उसने एसपी के पास भी दी थी एप्लीकेशन। पहले मैं रति थाने गया था, उन्होंने इनकी गाली गलौज की मेरे साथ और गलत व्यवहार किया और मेरे को फंसाने के चक्कर में बोल रहे हैं भी हम तेरे को फंसा देंगे, झूठे केस में धमकियाँ दे रहा है। और थाने वालों के जो पुलिस वाला है उसके साथ उसके संबंध हैं और बोल रहा है भी इनकी ऐसा कर दूंगा तेरे को उल्टे केस में फंसा दूंगा। मैं पुलिस वाला हूँ और मैं रति पुलिस से बोल रहा हूँ और इनकी मेरे को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं भैया इनकी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम समझौता कर ले हमारे साथ, ऐसा ऐसा कर रहे हैं और मेरे को डरा रहे धमका रहे हैं। दस आप मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ और मेरे 10 साल का लड़का और 2-3 साल की लड़की है उसको भी इनकी और इनकी घर से बाहर बोल रही है भी मैं खा लूंगी जहर और तेरे को फंसा दूंगी उल्टे केसों में। और पुलिस थानों से भी फोन करा रही है और मेरे को धमकी भर है फोन करा रही है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने एसपी मंडी से भी लखनवाल सिंह जी से भी हितेश लखनवाल सिंह जी से भी मिला तो उन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया भी मैं इस केस की पूरी छानबीन करूँगा, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इसकी कार्रवाई छानबीन की जाए और मेरे को इंसाफ दिलाया जाए।